गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। देखो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था सॉल्यूशन, और आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोई भी विलयन होता है तो उसमें दो घटक होते हैं, एक फर्स्ट होता है विलेय और दूसरा क्या होता है विलायक होता है। अब इन विलेय और विलायक को जब हम आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है विलयन, यानी कि विलेय और विलायक को आपस में मिलाने पर जो बना पदार्थ उसको क्या कहते हैं विलयन कहते हैं। अब जो विलयन है इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, ठीक है, वो गुणधर्म डिपेंड करते हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, विलेय की मात्रा पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब विलेय के कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो केवल विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो केवल विलेय की मात्रा पर डिपेंड करते हैं कि आपने विलेय को विलायक में कितना मिलाया, इस पर डिपेंड करते हैं, ना कि जो हमारे पास विलेय है उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो किसी भी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो केवल और केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं कि आपने विलेय को कितना मिलाया, मतलब आप विलेय की मात्रा को चेंज करोगे तो वो उन गुणधर्म के मान में भी क्या होगा, चेंज होगा, और उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि आप उतनी ही मात्रा में कोई भी दूसरा पदार्थ मिला सकते हो तो भी गुणधर्म सेम मिलेंगे, यानी कि प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे पास विलायक है और विलायक के रूप में हमने लिया है जल। ठीक है, अब इसके अंदर हमने मिला दिया किसी भी अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया हमने, अवाष्पशील पदार्थ यानी कि विलेय को मिलाया है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं राउत के नियम से कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में अगर हम अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं तो उस विलयन के वाष्पदाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये हमने डिस्कस किया था राउत के नियम में। अब अगर आपने एग्जाम्पल के लिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ के रूप में आपने लिया है 5 ग्राम NaCl मिलाया है, ठीक है, तो जब 5 ग्राम NaCl मिलाया है तो यहां पे इसके वाष्पदाब में क्या हो गई, कमी। ठीक है, कितनी भी कमी हुई है हमें वो डिस्कस नहीं करना है, एग्जाम्पल के लिए इसमें कोई भी x मान की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि NaCl एक ऐसा पदार्थ है यानी कि अवाष्पशील पदार्थ है जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर है, तो यहां पे इसके वाष्पदाब में क्या आ गई, कमी आ गई, और कितनी आई है, एक्स मान लिया हमने इसको। इसी तरह अगर आप NaCl की बजाय अगर इसमें आप 5 ग्राम अगर शुगर लेते हो, ध्यान रखना अगर 5 ग्राम इसमें शुगर लेते हो तो यहां पे भी क्या होगी, इसके वाष्पदाब में कमी होगी, लेकिन शुगर चीनी की बात कर रहे हैं तो इसके वाष्पदाब में भी क्या होगी, कमी होगी, लेकिन कितनी कमी होगी, तो सुनना आप ध्यान से, NaCl जब आपने मिलाया तो इसके वाष्पदाब में कितनी कमी हो गई, x। क्लियर है, लेकिन जो आपने शुगर मिलाया है उसकी मात्रा भी कितनी है, 5 ग्राम है, यानी कि NaCl की क्या है, बिल्कुल बराबर है। जब आप NaCl की शुगर को जब आप जल में मिलाओगे तो इसके वाष्पदाब में जो कमी होगी वो बराबर होती है किसके, जब आप 5 ग्राम NaCl मिलाते हो, किसमें मिलाते हो, जल में, यानी कि दोनों को अगर हम अलग अलग मिलाते हैं तो इनके द्वारा जो वाष्पदाब है उसमें कमी हो रही है, और वो जो कमी होती है वो कैसी होगी, बराबर होगी। भाई ऐसा क्यों,
क्योंकि आपने अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा कितनी ली है, NaCl की कितनी मात्रा ली, 5 ग्राम ली, और शुगर की मात्रा कितनी ली, 5 ग्राम। दोनों की मात्रा कैसी है, सब बराबर इसमें। तो यहाँ पे जो इसमें वाष्प दाब में कमी हो रही है, जितनी कमी हो रही है, क्या डिपेंड कर रहा है क्या कि आपने NaCl मिलाया है या शुगर मिलाया है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, इसमें इसकी मात्रा पे डिपेंड करना है। इसमें क्या वाष्प दाब में कमी इस बात पे डिपेंड कर रही है क्या कि आपने NaCl लिया है या शुगर लिया है, नहीं डिपेंड करी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे वाष्प दाब एक ऐसा गुणधर्म है किसी भी विलयन का, जो डिपेंड कर रहा है कि आपने विलेय कितनी मात्रा में लिया है, ये विलायक की विलेय की प्रकृति पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो मैं फिर से इसके डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। ऐसे गुणधर्म जो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं, जिसका हमने एक डिस्कस किया है वाष्प दाब में। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में जो अणु संख्या गुणधर्म है वो है चार प्रकार के। एक तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, सेकेंड है कवथनांक में उन्नयन, और उन्नयन का मतलब क्या है, वृद्धि। इसी तरह थर्ड हमारे पास है हिमांक में अवनमन और प्राशन दाब। ये चार अणुसंख्या गुणधर्म है जो डिपेंड करते हैं कि विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, और ये हम पढ़ भी चुके हैं वैसे राउत के नियम से, लेकिन फिर से हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में केवल एक ही द्रव है, और जिसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध द्रव कहेंगे। सिर्फ क्या कहेंगे भाई, इसको शुद्ध द्रव। अब शुद्ध द्रव का अगर वाष्प दाब की बात करें, क्योंकि इसको कवर करके अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसकी क्या बनेगी, यहाँ पे वाष्प बनेगी, और इसी वाष्प को क्या कहते हैं, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, जिसको हम डिनोट करेंगे किसके द्वारा, पी नोट के द्वारा। क्लियर है इसमें? अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि इस शुद्ध द्रव में जो हमारे पास शुद्ध द्रव है, इसके जो कण हैं वो केवल सतह पर उपस्थित हुए हैं, यानी कि जितने भी आपके पास शुद्ध द्रव है, यानी कि इसकी सतह पर केवल और केवल शुद्ध द्रव के कण पाए जाएंगे। क्लियर है? अब अगर आप इसके अंदर किसी भी अवाष्पशील विलेय को अगर मिला देते हो, जब अवाष्पशील विलेय को मिलाते हो तो यहाँ पे जो विलयन बनेगा उसकी सतह पर यहाँ पे शुद्ध द्रव के भी कण प्रेजेंट रहेंगे, और जो विलेय जो कि कैसा है, अवाष्पशील है, उसके भी कण क्या रहेंगे, यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो विलेय को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे बनेगा विलयन, और विलयन के अंदर या विलयन की सतह पर अब दो प्रकार के कण उपस्थित है। एक फर्स्ट हमारे पास है शुद्ध द्रव जो कि वाष्पशील है, इसमें मिलाया विलेय, तो ये जो कण है ये विलेय का है जो कि अवाष्पशील है। इसी तरह हमारे पास एक वाष्पशील कण और एक क्या होगा, अवाष्पशील कण, यानी कि इस प्रकार कण क्या मिलेंगे, उपस्थित मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको अगर गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करेंगे तो इस द्रव की सतह पर उपस्थित जो वाष्पशील द्रव यानी कि जो शुद्ध द्रव था हमारे पास, ये तो क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये जितने भी आपको वाष्पशील द्रव के कण दिख रहे हैं ये वाष्प में बदल जाएंगे, और वाष्प में बदलने के बाद इस विलयन की सतह पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, और जिसको कहेंगे क्या, वाष्प दाब कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन कणों के बारे में, यानी कि विलेय के कण के बारे में,
तो विलय हमारे पास कैसा है? अवाष्पशील है। अगर आप इसको ऊर्जा दोगे, ताप दोगे, तो क्या ये कण वाष्प में बदल पाएगा क्या? भाई नहीं बदलेगा। यानी कि ये जो कण है ये इस सतह को छोड़कर वाष्पित नहीं होगा। अब यहां पे इस विलयन में जो वाष्प दाब है इसको हम किससे डिनोट करेंगे? पी एस। पी का मतलब होता है वाष्प दाब इसमें, और जो एस है इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन यानी कि विलयन है, ठीक है, यानी कि विलयन में वाष्प दाब। तो यहां पे शुद्ध द्रव का वाष्प दाब आया है पी नोट, और विलयन में यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब आया है वो कितना है? पी एस। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन दोनों में से कौन सा वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो यहां पे फोकस करना कि शुद्ध द्रव में यहां पे इसकी सतह पर केवल और केवल शुद्ध द्रव के कण उपस्थित है जो कि वाष्पित है। तो यहां पे सतह के ऊपर जब वाष्पित होने वाले कणों की संख्या ज्यादा है तो उनकी वाष्प भी क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। जब वाष्प ज्यादा बढ़ेगी तो उनके द्वारा जो भी दाब लगेगा वो भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर हम बात करें विलयन में, तो विलयन में यानी कि विलयन की सतह पर जो वाष्पित होने वाले जितने भी कण हैं उनकी संख्या क्या है? कम। जब संख्या कम है तो वाष्प भी कैसी बनेगी? कम बनेगी। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प के द्वारा जो दाब लगेगा वो भी कैसा होगा? कम। यानी कि ये पॉइंट आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, काम आएगा कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से हमेशा हमेशा कैसा होता है? कम होता है। क्लियर है? अब क्यों होता है ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन ये लाइन आपको याद रखना है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कल्पनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे, यानी कि आगे आने वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बात काम आएगी। क्लियर है? अब अगर आपसे ये पूछ इसमें कि अब हम जानना चाहते हैं कि वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, तो भाई वाष्प दाब में कमी कैसे निकालेंगे? जो अधिकतम वाष्प दाब है उसमें से कम को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अधिकतम वाष्प दाब कौन सा है? पी नोट है, और माइनस कर देंगे किसको? पी एस को, यानी कि विलयन के वाष्प दाब। यानी कि हमें ये पता लगाना है कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? पी नोट माइनस पी एस। क्लियर है? अब यहां से वाष्प दाब में जितनी भी कमी हुई है वो किसके बराबर है? तो भाई यहां पे वाष्प दाब में कमी कैसे हुई या क्यों हुई? जब हमने शुद्ध द्रव में क्या मिला दिया? विलय मिलाया, तो ही तो वाष्प दाब में कमी हुई है। अगर आप जितना विलय मिलाओगे विलय के कण इसकी सतह पर आते जाएंगे, जब विलय के कण इसकी सतह पर प्रेजेंट होंगे तो वो वाष्पित नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकलता है कि आप जितने ज्यादा इसके अंदर विलय मिलाते रहोगे, ठीक है, जितने ज्यादा आप इसके अंदर विलय मिलाते रहोगे उसकी वाष्प दाब में क्या होगी? कमी। विलयन की वाष्प दाब में क्या होगी? कमी। क्योंकि ज्यादा आप विलय मिलाओगे तो इस विलयन में इसकी सतह पर अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा या संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वाष्प क्या बनेगी? बहुत कम बनेगी। जब वाष्प और कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कि जो वाष्प दाब में कमी है वो डिपेंड कर रही है किसकी मात्रा पे? विलय की मात्रा पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा विलय मिलाओगे वाष्प दाब में उतनी कमी होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं वाष्प दाब में कमी बराबर होगी किसके? मोल भिन्न के होती है कमी इसमें। यानी कि जितने ज्यादा आपके पास हो रही का ही एक ही बजाय यहां पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे? विलय। और विलय की बात करें तो विलय को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? बी से। और विलायक को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने? ए से। क्लियर यहां तक इसमें? तो इस विलयन में यानी कि विलयन बना तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आई है वो विलय के मोल भिन्न के क्या होती है? बराबर होती है। मतलब जितना ज्यादा विलय मिलाओगे उसके वाष्प दाब में उतनी क्या होगी? कमी। अब ये तो हमारे पास है सिर्फ वाष्प दाब में कमी,
वाष्प दाब में कमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपेक्षित वाष्प दाब में कमी, आपेक्षित वाष्प दाब में कमी, भाई आपेक्षित का मतलब है भाई किसकी तुलना में या किसकी तुलना में कितना कम है या ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि अगर आपका कोई भी पेपर हुआ है 10 मार्क्स का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें से एग्जाम्पल के लिए आपके 8 मार्क्स आए हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, 8/10 तो लिखते हैं, यानी कि आपके पास कितने मार्क्स आए और कितने में से आए, तो यहाँ पे तुलनाएं तो कर रहा है, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं भाई 10 में से कितने आए हैं। सेम कंडीशन है, यहाँ पे हमें वाष्प दाब में कमी तो हुई है, लेकिन अब हमें आपेक्षित मतलब तुलना करनी है कि भाई कितने में से कितना कम हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास वाष्प दाब में कमी या कितने नंबर आए तो वही लिखेंगे। तो वाष्प दाब में कमी क्या है, पी नोट माइनस पी एस, क्लियर है। अब आपेक्षित का मतलब कितने में से वाष्प दाब में कमी हुई है, तो भाई सबसे हमारे पास अधिक वाष्प दाब कौन सा था, पी नोट ही था, तो इसीलिए इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, पी नोट। अगर आप इसमें इस तरह लिखोगे तो इसको क्या कहेंगे, आपेक्षित वाष्प दाब। आपेक्षित का मतलब तुलना कर रहा है भाई कितना कम हुआ है किसकी तुलना में, क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास आ गया काई और ये क्या था, विलेय। तो अब यहां पे हम इसको लिख रहे हैं, सुना ध्यान से, विलेय के मोल भिन्न, ये हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी पदार्थ के आपको मोल भिन्न निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला, तो भाई किसी भी पदार्थ के मोल भिन्न निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि उस पदार्थ के मोल अपॉन आपको भाग देना पड़ेगा किसका, कुल मोल का भाग देना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। हमें किसके मोल भिन्न निकले हैं, विलेय, क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलेय के मोल अपॉन कुल मोल, तो विलेय के मोल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस मोल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और विलेय के मोल मतलब कुल मोल का मतलब क्या होगा भाई, विलयन में विलेय और विलायक है, तो विलेय के मोल प्लस में विलायक के मोल, तो यहाँ पे विलेय के मोल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है, और विलायक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है ये है वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन या आपेक्षित कमी, क्लियर है। और ये किससे यानी कि किसके बराबर होती है, विलेय के मोल भिन्न के बराबर होती है, क्लियर यहां तक। अब हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि जो हमारे पास विलयन है वो विलयन कैसा है, तनु। अब यहां पे दो वर्ड और आते हैं, तनु और सांद्र का मतलब समझना ध्यान से। एक हमारे पास वर्ड होता है सांद्र और दूसरा वर्ड होता है तनु, ठीक है, इसका मतलब क्या है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने ले रखा है 1 लीटर जल ले रखा है इसमें, क्लियर है, 1 लीटर जल है और इसमें हमने मिलाया NaCl, और NaCl की मात्रा की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हमने NaCl की कितनी मात्रा ली है, 20 ग्राम। तो जब आप इसको मिलाते हो तो इन दोनों को क्या बनेगा, विलयन बनेगा, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, जब किसी भी विलयन में मिलाए गए विलेय की मात्रा अगर अधिक होती है या मिलाए गए विलेय की मात्रा विलायक के लगभग बराबर होती है तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाएगा। मतलब ऐसा विलयन जो आप विलेय ज्यादा मिलाओगे ना तो वो विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 1 टिफिन पानी है, उसमें हम आटा मिलाते हैं, अगर हमने थोड़ा सा आटा मिलाया तो वो विलयन अभी कैसा है, तनु ही कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अगर आप आटा और मिलाते हो तो धीरे धीरे वो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, सांद्र कहेंगे। तो सांद्र विलयन क्या होते हैं,
ऐसे विलयन होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है या लगभग किसके बराबर होते हैं, विलायक के बराबर होती है। ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। दूसरा विलयन क्या है, तनु। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब की बार हमने 1 लीटर जल में 0.05 ग्राम NaCl मिलाया, तो यहां पे अब मिलाए गए विलेय की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, तनु। ठीक है, तो तनु विलयन का मतलब है जो विलेय मिला रहे उसकी मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। क्लियर इसमें? तो यहां पे हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि हमारे पास कि विलयन कैसा हो, तनु। तनु का मतलब है कि विलयन के अंदर जो आपने विलेय मिलाया है उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि विलेय के मोल बहुत कम है किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। ठीक है, जब विलेय के मोल विलयन में बहुत कम है विलायक की तुलना में, तो हम इसको नगण्य मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनना भाई आप सभी ध्यान से, हमारे पास 1 गिलास वाटर है, हमने उसमें 1 चम्मच नमक का मिलाया इसमें, ठीक है, और अगर हम उसी 1 चम्मच को अगर हम बड़े तालाब में मिलाते हैं, तो इन दोनों में से जो नमक का प्रभाव है वो गिलास में क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। जबकि आप अगर तालाब की बात करते हो तो उसमें कहोगे भाई नगण्य, यानी कि ना के बराबर मिला हुआ इसमें। हाँ। तो वहां पे क्या हो रहा है तालाब वाले कंडीशन में, कि विलायक मतलब जल बहुत ज्यादा है और विलेय मतलब नमक चम्मच बहुत कम है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। और जिसके अंदर हमारे पास गिलासी वाला एग्जाम्पल है तो उसको क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। मतलब क्या है, उसको हम नगण्य मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल वगैरह में अब बात करें, जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं, अगर उसमें नमक डाला है लेकिन नमक कम है, तो हम क्या कहेंगे भाई इसमें नमक कम है, और हम ये भी तो कहेंगे भाई नमक तो इसमें ना के बराबर है। बोलते इस वर्ड को नमक है तो सही लेकिन ना के बराबर है, तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, उसको नगण्य मान लिया। तो यहां पे अगर हमारे पास तनु विलयन है तो विलेय के मोल बहुत कम होंगे, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। तो यहाँ पे नगण्य मानोगे तो ये विलयन है, ध्यान रखना मैं विलयन की बात कर रहा हूं, तो स्मॉल एन यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू, अब हो गया स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब ये क्वेश्चन ये रहा स्मॉल एन, तो आपने हटाया इसको नहीं। अगर हम बात करें मोल की तो विलेय तो है उसके अंदर, लेकिन विलयन की बात करें विलयन में तो ना के बराबर है, इसीलिए विलयन में यानी कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन में से हमने स्मॉल एन को क्या कर दिया, हटा दिया। क्लियर है? अब यहां पे क्या क्या है सुनना ध्यान से, पी नोट, पी नोट का मतलब है शुद्ध द्रव का वास्ता, हम इसको विलायक भी कह सकते हैं, शुद्ध विलायक का वास्ता। पीएस क्या है, विलयन का वास्ता। ठीक है, पीएस का मतलब क्या है भाई, विलयन का वास्ता। इसी तरह पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वास्ता। एन स्मॉल एन का मतलब होता है विलेय के मोल, किसके मोल, विलेय के मोल। और कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, विलायक के मोल। तो किसी भी पदार्थ के अगर आपको मोल लिखने होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोल बराबर होता है कि दिए गए पदार्थ के भार में हम उसमें भाग देते हैं किसके, अणुभार का भाग देते हैं। अब भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डब्ल्यू से। और जो अणुभार है इसको कहते हैं मोलर मास, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब हमने ये भी तो कंडीशन ली थी इसमें कि विलायक को हम क्या मानेंगे, ए, और विलेय को क्या मानेंगे, बी। अब हमें क्या करना है, स्मॉल एन की वैल्यू पुट अप करनी है भाई, स्मॉल एन का मतलब विलेय के मोल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे,
अगर स्मॉल एन का मतलब की बात करें तो यहाँ पे विलेय के मोल है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, भार अपॉन अणुभार। और विलेय को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एन बी लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर आपको विलायक के मोल लिखने हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एन ए। अब हमें क्या करना है इसमें, इस एन की यानी कि स्मॉल एन की कैपिटल एन की वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहां पे अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू, भाई स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी स्मॉल एन की वैल्यू है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्लियर है। और स्मॉल एन तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या हमारे पास डब्ल्यू ए अपॉन, फिर कैपिटल एन की वैल्यू क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब ये क्या होगा, इसमें रिवर्स में गुणा चला जाए इसमें, तो अगर इसको और सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू ए अपॉन क्या आ जाएगा एम ए, क्लियर है। क्योंकि जो आपने लिखा था वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसमें। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आया है और इस फॉर्मूले के सहायता से हम दिए गए विलयन की क्या निकाल सकते हैं, वास्तव में कमी निकाल सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास, सबसे पहले पी नोट, ठीक है, ये इसके बाद लिखना आपको यहाँ पे, तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं इसमें। यहाँ पे हमारे पास इसमें है कि पी नोट, भाई पी नोट का मतलब क्या है, विलायक का वास्तव, पी नोट, ठीक है, विलायक का वास्तव, ठीक है, शुद्ध लिख सकते इसमें, ठीक है, ये लिखो शुद्ध में, तो पी नोट बराबर क्या हो गया, शुद्ध विलायक का वास्तव। इसी तरह पी एस, ये पी एस क्या है भाई, विलयन का वास्तव, इसी तरह डब्ल्यू बी, देखो बी का मतलब क्या है, विलेय है, ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, भार, तो यहां पे डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार। इसी तरह एम ए, एम ए क्या है भाई, एम का मतलब अनुभार है और ए का मतलब क्या है, विलायक, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि एम ए बराबर क्या होगा, विलायक का भार, अनुभार, विलायक का अनुभार। डब्ल्यू ए, भाई डब्ल्यू का मतलब भार है और ए का मतलब विलायक, तो यहां पे लिख सकते हैं विलायक का भार, विलायक का भार। इसी तरह हमारे पास एम बी होगा इसमें, और ये एम बी का मतलब क्या है भाई, हमारे पास विलेय है और विलेय का क्या होगा, एम का मतलब अनुभार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलेय का अनुभार, क्लियर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट था इसमें कि कौथनांक में अपेक्षित अवनोन, तो यहाँ पे जो सॉरी वास्तव में जो अवनमन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, विलेय के, ठीक है, मोल बिंदु पे डिपेंड कर रहा है, तो विलेय पे तो डिपेंड कर रहे हैं, उसकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितना मिलाओ उसमें। तो ये हमारे पास था इसमें वास्तव में अपेक्षित अवनमन। देखो इसका एग्जाम्पल हमारे पास इसमें कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वास्तव, ठीक है, कितना दे रखा है 0.85 बार है, तो यहां पे बेंजीन का वास्ता, लेकिन शुद्ध बेंजीन का वास्ता, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे आपको दे रखा है पी नोट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है भाई, शुद्ध वर्ड यूज कर रखा है, और यहां पे हमारे पास क्या बेंजीन का है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि पी नोट बेंजीन है, क्लियर, कितना दे रखा है यहाँ पे 0.850 बार। अब ये बार क्या है, ये बार देखो जो वास्त होते हैं वास्तव उसका मात्रक है, ठीक है, जैसे इसका मात्रक आपने 11th क्लास में सुना, उसमें कि जनरली हम यूज करते हैं एटीएम, ठीक है, एटमोस्फियर एंटी वायुमंडलीय दाब यूज करते हैं,
इसी तरह यहाँ पे जो बार है ये भी इसका मात्रक है, और इसी के साथ साथ आपने सुना होगा mm of Hg, ये 11th क्लास का इसमें फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इसमें। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास पदार्थ की अवस्था, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 6 था सर इसमें, वहां भी ये डिस्कस किया गया इसमें। तो ये mm of Hg या atm या bar, ये सारे के सारे क्या है, किसी भी गैस के दाब को मापने के यूनिट होती है इसमें। क्लियर है? अब क्या कह रखा है इसमें कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय जो कि ठोस है को किस में मिलाया, बेंजीन में। तो बेंजीन में किसको बोला है अवाष्पशील विलेय, तो यानी कि यहाँ पे जो विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील, और यहाँ पे ग्राम वर्ड यूज कर रखा है तो इसका मतलब क्या दे रखा है, भार। तो हम विलेय के भार को सबसे पहले हम भार को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डब्ल्यू से, और किसका भार दे रखा है, विलेय का। तो विलेय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी की वैल्यू आ गई कितनी दे रखी है, 0.5 ग्राम। नेक्स्ट क्या कह रखा है कि अगर गोले पर जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन का वास्तव, तो विलयन के वास्तव को हम किससे डिनोट करते हैं, बी ऐसे डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है 0.8 4 8 4 5, और इसका भी मात्रक क्या है, बार है। विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो मोलर द्रव्यमान उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसका पूछ रहा हमारे पास, विलेय का पूछ रहा है, यानी कि एम बी की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसी के साथ साथ दे रखा है बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान का मतलब हमारे पास बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे 78 ग्राम पर मोल। क्लियर यहाँ तक? तो हमें ज्ञात क्या करना है, जो विले है ना विले, उसका मोलर भार ज्ञात करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते, ध्यान दो भाई यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P0 - PS अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या था भाई, डब्ल्यू बी और गुना एम एम ए या एम बी एम ए अपॉन एम ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो इसमें, यहाँ पे एम बी और यहाँ पे क्या मिलेगा, डब्ल्यू ए। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इसमें इनकी वैल्यू पुट अप करनी है, और किसका मान निकालना है, एम बी का मान निकालना, इसका मान निकालना, कर लोगे? हाँ भाई जल्दी से करो। इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, तो पी नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 0.850 माइनस पी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.845 अपॉन पी नोट की वैल्यू कितनी है, 0.850 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। भाई विले का बार कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 0.5 दे रखा है। एम ए विले विलायक का अणुभार, तो विलायक कौन है, बेंजीन है, इसका दे रखा है कितना है यहाँ पे, 78 है अपॉन एम बी, तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम बी और गुना डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए का मान दे रखा है कितना है, 39 है। क्लियर है? अब हो जाएगा इसमें क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 39। अब पे इसको इससे कैसे कर लो, इसमें कितनी बार गया, दो बार गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास एम बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको ऐसे कर लेते, देखो सोल्व किया तो ये आ गया इसमें 0.5 × 2 अपॉन क्या हमारे पास एम बी है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.05 × mb, और हमारे पास ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0.850 × 0.5 × 2, हमें एमबी की वैल्यू चाहिए, तो इस 0.05 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे आएगा 0.05 आएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3 पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
ठीक है, और ये कोई डालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा। तो आप क्रॉस कोलेस्ट्रॉल भाई 5 × 5 = 10, 2 × 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये भी कट रहा है कितनी बार कटेगा भाई एक मिनट को इसको काटो भाई इसको यहाँ पे ये आएगा एक बार गया इसमें तो यहाँ पे 7 × 5 = 5 में 170 ठीक है आंसर ठीक है भाई।